साला तीन दिन से अलजबरा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। अभी मामा जी को बस स्टैंड छोड़ के आया है, फिर अभी फिर से कॉल आ रहा है। साला समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम पटना में रहते हैं और पटना बिहार की राजधानी नहीं पूरे बिहार की धर्मशाला भी है। साला दिन में जितनी बार हमारे दिल की धड़कन रखता उससे ज्यादा हमारे फोन की घंटी बजता है और हर एक घंटी में ऐसा लगता है हम कोई ना कोई बेगाड़ी में फंसने जा रहे हैं। बेटा नाना जी हॉस्पिटल में भर्ती है, देख लिया है। अपना बउआ को भेज रहे हैं, देखो बढ़िया कोचिंग में एडमिशन करा दिया है। भाई एक मशीन का फोटो भेजा है, थोड़ा पता करना पटना में कहाँ मिलता है। हाँ फिर से वो चाचा जी का कॉल आया था, बोल रहे थे हड्डी का डॉक्टर ढूंढ देने के लिए। खुद करो बाबू जी, तमाम के पास से भेजते हैं कि बेटा आईएएस होने का आईआईटी में जाएगा, लेकिन बेटा यहाँ वो बोले दीदी जी को पटना घुमाने में लगा। अरे ये कब हुआ अंकित? अरे पिछले हफ्ते। तो क्या करना चाहिए फिर भैया? कसम खा कि अब किताब से बढ़कर कोई सेवा नहीं, कोई धर्म नहीं। अगर बाबूजी के खून पसीने की कदर है तो आज के बाद माँ बाप के अलावा किसी का कॉल नहीं उठेगा। वादा? जी भैया वादा। और हाँ और एक बात, आज के बाद मोहल्ले का भी कोई लड़का यहाँ पे टाइम पास करने नहीं आएगा। बिल्कुल झक्कास। अब देखिए आगे क्या होता है।